said it's very very good. So I can't wait to try. ज़रा दिखाएं तो सही. ये है अभी जिस दरवाज़े से हम लोग एंट्री करेंगे, यही दरवाज़ा उस मूवी के अंदर भी है जहाँ पर जेम्स बॉन्ड मोटरसाइकिल. Assalamualaikum. We are out and about on our third day in Istanbul. Today is the 4th of October and the local time is around 10 AM. Pakistan ke hisab se 12 baje hain. So hum log abhi nashta karke bahar nikle hain. Aur aaj ki hamari activities jo planned hai wo bhi kal wali site par hi hain. Kal hum bahut thak gaye the to udhar hum ek do cheeze nahi kar sake. Aaj hum dobara se metro lenge aur hum log Asian site pe jayenge. कल हम लोगों ने आया सोफिया किया था और ब्लू मॉस की थी जिसको सुल्तान अहमद कहते हैं. उसका डिटेल व्लॉग मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा. वहाँ पे बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर है, मौसम भी बहुत अच्छा था. अच्छा, शाम में फिर हम गए थे गलाटा टावर जहाँ पर मुझे मारिया भी मिली एंड वी ट्राइड टर्कीज सपोजिडली बेस्ट चीज़ केक जिसको सैन सबिशन चीज़ केक कहते हैं. हमने चॉकलेट के साथ ट्राई किया था. आज हम जा रहे हैं ग्रैंड बाज़ार जहाँ पे सस्ती शॉप्स हैं. वहाँ से आई गेस सुवेनियर्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे और भी कुछ एक्टिविटीज़ प्लान हैं उसी साइड पर. शाम में वी हैव गॉट समथिंग वेरी वेरी स्पेशल प्लान, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. सो स्टे ट्यून्ड. ऑल्सो अपडेट ऑन द कन्वर्टर जो मैंने कल घूमने से पहले लिया था. जी हाँ, मैं कल इस्तांबुल में घूम गई थी. उसकी भी अलग स्टोरी है जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, सो वो भी देखिएगा. इट वॉज फनी. अच्छा, सो क्या कहते हैं, कन्वर्टर जो कर लिया था वो नहीं चला. अब मेरे आईफोन चार्जर के साथ तो चल गया था लेकिन मेरे डाइसन एयर ऐप के साथ नहीं चला. दैट इज़ व्हाई माय हेयर लुक लाइक दिस. तो आज मैं उस शॉप पे दोबारा जाऊंगी, दोबारा चेक करूंगी उधर. और मिल गया तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज आई एम वेरी यूज टू स्टाइलिंग माई हेयर एंड फॉर टुनाइट आई नीड माई हेयर स्टाइल प्रेफरेबली. नहीं मिला तो बस क्या कर सकते हैं फिर. सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर डे 3 इन इस्तांबुल एज आई टेक यू अलॉन्ग. टैक्सम स्क्वायर, ये मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ. इस जगह की अलग ही वाइब है भाई, हमेशा लाइवली, फुल ऑफ टूरिस्ट्स. मौसम भी बहुत अच्छा है. आई एम सो ग्लैड कि हम इस मौसम में आए हैं. जिस दिन हम आए थे उस दिन रेन की प्रिडिक्शन थी लेकिन बारिश उस दिन नहीं हुई और अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई. आगे भी मौसम ऐसे ही रहे तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि गर्मी ही नहीं बर्दाश्त होती ऑनेस्टली. इतना चलना पड़ता है गर्मी में, आपका बुरा हाल हो जाए. ये मौसम बहुत फिट है क्योंकि धूप में आपको गर्मी नहीं लगती और ठंड है तो आप ऊपर स्वेटर तो पहन ही सकते हैं. अच्छा, अभी हम मेट्रो ले रहे हैं. वी आर गोइंग टू ग्रैंड बाज़ार. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैंड बाज़ार में शॉप्स आर सपोज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. वहाँ पर काफ़ी ऐसे क्राफ्ट्स और सुवेनियर टाइप चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो मैं तो नंबर वन उसके लिए एक्साइटेड हूँ. अपडेट ऑन द कन्वर्टर, हम शॉप पे गए और उसने कहा कि मेरे पास ऐसा कन्वर्टर नहीं है. और मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि जब मैं अपनी हेयर डिवाइस ला रही थी डाइसन तो मुझे उसके सामने एक्सटेंशन भी लेके आनी चाहिए थी. पाकिस्तान में तो मतलब कभी फील ही नहीं हुआ, आसानी से चल जाता है क्योंकि घर पर है एक्सटेंशंस. तो इट वॉज़ अ गिवन, मतलब इट वॉज़ नॉट समथिंग दैट वी हैड टू अरेंज. सो देखते हैं आप क्या करें. ऑनलाइन सर्च करूँगी अगर कहीं से मिल जाए और डिलीवर हो जाए. नाउ वी आर वेरी केयरफुल ऑन द मेट्रो कि हम साथ जाएं वरना कल वाला सीन ना हो जाए. तो मेट्रो जब आती है मैं आगे हो जाती हूँ, मेरे हस्बैंड पीछे हो जाते हैं. वरना यूजुअली उनको आदत है तेज़ चलने की और मैं वीडियोस बना रही होती हूँ तो मेरे आगे चल रहे होते हैं और मैं आराम से पीछे पीछे आ रही होती हूँ. लेकिन कल मुझे बड़ा अच्छा सबक मिला है गुम होने के बाद. तो अब मैं मेट्रो जब आती है तो मैं आगे हो जाती हूँ.
मेट्रो से निकल के हम बस में बैठ गए थे, सो दिस इज़ द बस। अभी हमारा स्टेशन थोड़ा दूर है। अच्छा जी, हम उतर चुके हैं अपनी बस से और 10 मिनट्स की वॉक है ग्रैंड बाज़ार तक, तो हमने कहा हम वॉक कर लेते हैं यहाँ पर आके। वैसे भी हमें चलने की बहुत आदत हो गई है। ये वही जगह है जहाँ पर हम कल भी थे, इधर मैकडॉनल्ड्स है। सो कल यहाँ से हम लोगों ने मैकडॉनल्ड्स ट्राई किया था। आज वी हैव जस्ट रीच्ड, ये इनकी बस गुजरी है इधर से। सो मेरे पीछे स्टारबक्स है। माई हस्बैंड हैज जस्ट गॉटन इन टू गेट हिमसेल्फ अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट और मैं वेट कर रही हूँ, फिर हम लोग वॉक करके ग्रैंड बाज़ार तक जाएंगे। अब हम ग्रैंड बाज़ार की तरफ वॉक करते हुए जा रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ग्रैंड बाज़ार के बारे में आप सबकी नॉलेज के लिए। ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े और पुराने कवर्ड बाज़ार्स के अंदर काउंट किया जाता है। इससे मुल्क की बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तकरीबन 4,000 शॉप्स कहा जाता है कि अंदर इस बाज़ार में। हम सब शॉप्स तो आपको नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन बेस्ट पॉसिबल कवर करेंगे। इसके अलावा 007 फैंस को पता होगा कि जेम्स बॉन्ड की स्काईफॉल मूवी जो 2012 में रिलीज हुई थी, उसके कुछ सीन्स इन्हीं गलियों में रिकॉर्ड किए गए थे। इनफैक्ट अभी जिस दरवाजे से हम लोग एंट्री करेंगे, यही दरवाजा उस मूवी के अंदर भी है जहाँ पर जेम्स बॉन्ड मोटरसाइकिल पर चेस करता होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन ग्रैंड बाज़ार की इनसाइड के, आई डेफिनेटली सी सम क्लोथ शॉप, ज्वेलरी शॉप्स एज वेल एंड सम एक्सेसरीज। आगे जाके देखते हैं, सोवेनियर्स और डेकोरेशन की शॉप्स भी मैंने सुना है कि इधर है। अच्छा, रश तो ज़्यादा नहीं है प्रॉबेबली क्योंकि सुबह का वक्त है। Let me show you a close-up of the designs which I was checking in the previous clip. अच्छा, just to clarify, ये सब real gold और silver है, इसमें imitation या artificial jewelry नहीं है। बहुत खूबसूरत designs हैं, heavy भी और delicate भी। I'm a fan of delicate designs more, तो मुझे वो ज़्यादा खूबसूरत लगे। Let me show you a few sets more closely. These silver ones are so pretty. अच्छा, so मेरा mood नहीं था इतना कोई closely देखने का, लेकिन being a woman that I am, I got very excited by looking at this jewelry, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। Is this real silver? No, real diamond. Real diamond. Wow. And what are the prices like? Which one? Like this one. This one $5,000. Okay. ये real gold और real diamond है भाई। मैं समझ रही थी कि real नहीं है। Foolish of me. लेकिन बहुत प्यारे designs हैं honestly. अच्छा, मेरा ज़िंदगी में एक बहुत सादा सा असूल है कि मैंने जब कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी होती तो मैं उसे इतना करीब से जाके देखती भी नहीं हूँ। मुझे लगता है ऐसे ही आपका टाइम ज़ाया होता है और इररिलेवेंट होती है वो चीज़ आपसे। बट दीज गोल्ड डिज़ाइंस आर सो एलिगेंट एंड प्रिटी, दे वर रियली कॉलिंग मी आउट टू सी देम। रोलेक्स वॉचेस भाई, दीज आर फेक्स ऑब्वियसली, ये कॉपीज हैं। What are the prices like? $450. $250. $450 for each.
room. You see? Yes, the difference. Okay, got it. Can you show me something from the inside? Can you show me this yellow one? And these are made in Turkey? Made in Turkey. Okay. अच्छा, रियल गोल्ड लेने का तो कोई इरादा नहीं है, ना पैसे हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये मैं शायद लूँ. ये वो स्टोन है जो कि कलर अपना चेंज करते हैं, मैंने अक्सर लोगों को पहने हुए देखे हैं, और इसके इयररिंग्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं. तो अभी मैं प्राइस पूछती हूँ और मैं शायद इसमें से कुछ ले लूँ. Real silver, of course. और ये कह रहे हैं कि टर्की के अलावा कहीं और नहीं मिलता ये स्टोन, ये टर्किश स्टोन है. Can I try? No, okay. How we can say thank you? No, I don't know. Together, tea sugar. Yes. Tea sugar is thank you. Yes, you are right. Oh wow. You say like wow. This. Wow. Very easy. Any other easy words? It's merhaba. Hello. It's hello. Yes. Okay. And how do we say goodbye? Bye-bye. That's easy. Yurushurus. Yes. Okay, Yurushurus. Thank you. Some amazing designer handbags. Last wali shop pe bada maza aaya, usne mujhe Turkish word sikhaya. Thank you, kaise bolte hain. Aur yahan par ye sare log Christian Dior, Chanel, Gucci, YSL ke bags rakhe hue. Let's go inside and find out what the prices are like. Acha, andar ke paas watches bhi hain, Prada bag bhi hai. Let's see if I like something. To main price poochti hu. What is the price of this? This one? 7000 lira. अच्छा, यहाँ पर फुटबॉल की शर्ट्स मिल रही हैं. What are the prices? Lira, they are 400 lira. 400 lira for each? For these shirts? All the same price, okay. अच्छा, ये टर्किश लैम्प्स की जो शॉप है, टर्किश लैम्प्स बहुत फेमस हैं, इधर इस्लामाबाद में भी मिलते हैं. लेट्स फिगर आउट कि यहाँ पे प्राइसेस कैसी हैं. हेलो, ओके, व्हाट आर द प्राइसेस लाइक? प्राइस फॉर दिस 700, ओके. एंड दीज हैंगिंग वंस? 1000 ओके. हैंगिंग वन 500. अच्छा, वो कह रहे हैं जो रखा हुआ है ये वाला साइज ही 400 ले रहा है, और हैंगिंग जो है वो 1000 ले रहा है. ओ, फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग नोट, वी मेक शिपमेंट टू योर कंट्री, इंटरेस्टिंग. लेकिन आई थिंक वो बल्क बाइंग पे होगा. वैसे तो आप हैंड कैरी करके लेके जा सकते हैं, इतनी हिम्मत कौन करे. स्नीकर्स पड़े हुए हैं और पम्प्स पड़े हुए हैं. व्हाट्स द प्राइस फॉर दिस? 4500 लेरा. ओके, महंगी लग रही है भाई रेप्लिका के हिसाब से तो. अच्छा जी, हम लोग ग्रैंड बाजार कवर करके बाहर आ चुके हैं. शॉप्स तो उधर काफ़ी देखी, लेकिन मैंने सिर्फ एयरिंग की है जो सिल्वर में और टर्किश स्टोन में बने हुए हैं. ये टर्किश स्टोन 7 कलर्स चेंज करता है अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर. वहाँ पर जो शॉपकीपर थे, इट वॉज वेरी स्वीट. अच्छा, टर्किश पीपल आर यूजली वेरी स्वीट एंड फ्रेंडली टूवर्ड्स पाकिस्तानीज. हम लोगों को बहुत एडमायर भी करते हैं, हमसे बहुत अच्छे से बात भी करते हैं. अच्छा, शॉपकीपर ने मुझे बोलना सिखाया टर्किश में थैंक यू, विच इज़ टी शुगर. आई एम श्योर प्रोनंसिएशन थोड़ी सी फ़र्क होगी, उन्होंने मुझे आसान करके बताया.
बट लाइक अगर आप लोगों ने समझना है तो टी प्लस शुगर टू शुगर. अच्छा जी, हम लोग अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ जा रहे हैं आज के लिए, जिसे बेसिलिका सिस्टर्न कहते हैं. ये इसी फेथ रीजन में सिचुएटेड है. सो इस्तांबुल के जिस पार्ट से हम लोग आ रहे हैं, जहाँ पे हमारा होटल बना हुआ है, उसे बेओग्लू कहते हैं. और इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं, जहाँ पर ग्रैंड बाज़ार और बेसिलिका सिस्टर्न है, इसे फेथ कहते हैं. बेसिलिका सिस्टर्न भी एक बहुत एंशियंट साइट है. सिस्टर्न कहते हैं वाटर स्टोरेज वाटर फिल्ट्रेशन टैंक को. सो बैक इन द डेज ऑफ रोमन बिजेंटाइन एम्पायर, बेसिलिका सिस्टर्न वो जगह थी जो कि वाटर सप्लाई करती थी कॉन्स्टेंटिनोपल को, यानी बिजेंटाइन एम्पायर, रोमन एम्पायर की कैपिटल को. उसके बाद जब मुसलमानों ने आके जगह फतेह कर ली और ऑटोमन एम्पायर बन गया, तब भी इसी जगह से पानी भेजा जाता था टोपकापी पैलेस को और उसके आसपास की जगहों को. यहाँ पर भी जेम्स बॉन्ड की एक मूवी रिकॉर्ड हुई है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस प्लेस. ये इतनी ग्लैमरस तो नहीं है, बट इट इज़ एंशियंट, सो वी वॉन्ट टू विजिट इट. सो लेट्स गो देयर एंड शो यू इट फ्रॉम इनसाइड. हम ऑनलाइन टिकट परचेज करें तो वो गाइड थे, उसने हमें कहा कि आप स्कैन कर लें QR कोड को और फिर टिकट बाय कर लें. काफ़ी लंबी इस पर लाइन लगी हुई है, ये एंड तक जा रही है. ये बैठ के जी हम QR कोड से ख़रीद रहे हैं टिकट्स. और टिकट हमें एक कितने का पड़ रहा है? 3,500 लिरा या PKR? PKR. Yeah, okay. Because lira wouldn't have made sense. 3,500 का हमें एक टिकट पड़ा, तो यानी 7,000 के हमें दो टिकट्स पड़ेंगे. बस हम वो ख़रीद रहे हैं और फिर क्यू में लग जाएंगे, अंदर जाएंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या अट्रैक्शंस हैं. अच्छा, सो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और हम लोगों ने टिकट्स ऑनलाइन ख़रीदे हैं, तो हम इनको गाइड को दिखा रहे हैं. एंड सीम्स लाइक वी हैव स्मार्टली स्किप्ड अ लाइन. ये चीज़ बहुत पीछे तक लाइन है भाई. सोचा नहीं हुआ कि हम लोगों ने बैठकर साइड पर टिकट्स बुक किए और अब हम लोग लाइन को स्किप करके जा रहे हैं आगे. दिखाती हूँ कितनी लंबी लाइन हमने स्किप की है. ओहो हो 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 कंटिन्यूड. तो ये 20 मिनट तक की तो लाइन थी, बल्कि इससे भी लंबी लग रही है. मुझे लगा ख़त्म हो गई है. ओके जी, नाउ वी हैव कम एट द एंट्रेंस. अच्छा, ये हम टनल में एंटर हो गए हैं. And I have to be very careful with my things and my step, because obviously it's dark inside. An interesting fact about this place: यहाँ पर James Bond की movie A Letter from Russia shoot की गई थी, जिसका लीड एक्टर शॉन कॉनरॉय था. The Emperor Constantine built it as a reservoir 1600 years ago. Really? Here. यहाँ पे पानी इतना स्टिल है कि कभी आपको लगता है पानी नहीं है, बट एक्चुअली इट्स वाटर. ये वाकई ऐसी जगह लग रही जिस तरह मूवीज में कोई स्पाई एजेंसी किसी दूसरी स्पाई एजेंसी को ट्रैक कर रही होती है, या न्यूक्लियर वेपन्स को वो ढूंढ रहे होते हैं और एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, छुप रहे होते हैं.
it seems like a perfect plot for those kind of scenes. ये lights बड़ी interesting है इधर. I'm so amazed कि पानी इतना still कैसे है. मतलब कभी आपको ऐसा लगता है कि glass है. ये lights बड़ी interesting है, इन्होंने अभी अपना color change किया है. I hope I can capture that. And this is a wishing well here. People come here, wish and throw a coin in hopes that their wish will come true. Very interesting. हमारे पास शायद कोई कॉइन ही नहीं है. हमारे पास कॉइन है यार. चलो. This is me inside Bisilla cistern with the statue of the legendary Medusa. It legit looks like a chudail. मैंने इसकी पिक्चर ली थी अपने नेफ्यूज़ को डराने के लिए. वो आर 7 years and 3 years old. अच्छा जी, बिसिले का सिस्टर्न हम लोगों ने कवर कर लिया है. इस वक्त हम लोग कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं. दोपहर का टाइम हो रहा है, हम लोगों ने सुबह का नाश्ता किया हुआ है. सो ये जगह एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं खाने के क्या ऑप्शन हैं. The must. इसी तक हम लोग कोई खाने की जगह तलाश कर रहे हैं ताकि हम आराम से बैठ के खा सकें. यह हमें रास्ते में एक रेस्टोरेंट नज़र आया द मस्ट के नाम से. इसकी बहुत बड़ी सी खिड़की है जिसमें दो आंटीज़ बैठी हुई हैं और ये रोटियां रोल कर रही हैं. इसके अंदर ये लोग कीमा भर रहे थे. किसी किस्म का पराठा है, रोटी तो नहीं लग रही, लेकिन ये जो भी चीज़ है इट लुक्स वेरी डिलीशियस. अच्छा सो हम लोग बेसिलिका सिस्टर्न कर चुके हैं. इससे पहले हम लोग ग्रैंड बाजार भी कर चुके हैं. अब हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करना है. हमारे पेज पे एक कस्टमर ने मैसेज किया कि उन्हें लुई विटॉन का बैग चाहिए बिकॉज वी सोर्स ओरिजिनल ब्रांडेड आइटम्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड डिलीवर इट इन पाकिस्तान. सो वन ऑफ आर कस्टमर्स वॉन्टेड अ लुई विटॉन बैग, नॉट द फेक वन. ग्रैंड बाजार में बहुत फेक्स पड़े हुए थे, हमने ओरिजिनल वाला लेना है. सो यहाँ पे लुई विटॉन की शॉप है एक मॉल के करीब, हम लोग उधर जा रहे हैं. हमने सोचा हम मॉल भी जाके एक्सप्लोर कर लेंगे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्ट्रीट लाइफ तो काफ़ी देख ली है लेकिन कोई मॉल एक्सप्लोर नहीं किया. So we will get that experience also and we will pick the customer's order as well. अच्छा सो वहाँ जाने से पहले हमें भूख लग रही थी क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 2 बज चुके हैं. हम लोग 10 बजे से घर से बाहर निकले हुए हैं, यानी होटल से बाहर निकले हुए हैं. होटल भी आपका घर ही होता है जब आप किसी और सिटी में होते हैं. सो हम आ गए एक रेस्टोरेंट पे. दिस इज़ नॉट अ स्टॉल, दिस इज़ अ बाकायदा रेस्टोरेंट जिससे मैं बैठी हुई हूँ. पीपल आर ईटिंग हेयर. इसका नाम है आया सोफिया दोनेरिसी Donirsisi. Sorry for my bad Turkish pronunciation. Let me show you what the menu is like, what the prices are like, and what we ordered. Ruby Istanbul American restaurant. अच्छा ये आया सोफिया Donirsisi पे आए हैं हम. यहाँ पर मोस्टली इनके पास बीफ है लेकिन सो माई हस्बैंड अवॉइड्स बीफ टू बी ऑनेस्ट. मैं अगर अकेले होती तो मैं बीफ ऑर्डर कर लेती बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्राई देयर डोनर इन बीफ. मैं किसी और दिन इंशाल्लाह ट्राई करूँगी लेकिन अभी क्योंकि आई एम ईटिंग विद हिम सो वी हैव ऑर्डर्ड दिस. क्योंकि चिकन में सिर्फ यही था. आई रियली वॉन्ट कि इसके साथ ब्रेड हो. ये ऑनेस्टली मुझे चिकन टिक्का लग रहा है तो मुझे इतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा, लेकिन हम ऑर्डर कर चुके हैं. और साथ में हमने एक कोला किया 70 TL का ये है और 390 TL का ये है. फ्राइज इन्होंने पहले सर्व कर दिए और आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बाई द सर्विंग साइज, लेकिन थोड़े मोटे मोटे और लंबे हैं. मैंने एक खाए अभी और इट्स मोर लाइक अ क्रॉस बिटवीन अ पोटैटो वेज एंड अ पोटैटो फ्राई. अच्छा है. और ये सैलड आ गया है. ओह दिस लुक्स सो गुड. कोला भी आ गई है. इनकी कोला बड़ी स्ट्रांग होती है और बड़ी अच्छी होती है. लेट्स वेट फॉर द मेन फूड. अच्छा ये हमारा खाना आ गया है. जो साथ में सैलड था वो तो हम पहले ही आधा ख़त्म कर चुके हैं, आधे से ज़्यादा सिर्फ मिर्चें रह गई हैं. और फ्राइज़ भी हम खा चुके हैं. चिकन से धुआं निकल रहा है. गुड, वेरी गुड.
I wish I could show you my husband's expressions, but he doesn't want to be on the camera, so I cannot. But he said it's very, very good. So I can't wait to try. Zara dikhaye to sahi. Ye hai. Wow. Pistachio milk cream to what they are different. Classic pistachio, another walnut, small slice of walnut. This which one is the best? For me, for senin için hangisi? Medium hala. This one. Her best this. My best this. Ah, okay. If you want, I can make a plate for you. Okay, okay. Should no. हम बहुत ही अच्छा मील खा के निकले हैं. इस जगह का नाम है आया सोफिया डोनर सिसी. ठीक है, हमें सारा पड़ा 6,800 का. मतलब अगर आप कन्वर्ट करें तो आपको हर चीज़ बहुत महंगी लगती है, तो बेहतर है कि आप ना ही करें. दिल थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन क्या कहते हैं, हमें रेफरेंस के लिए कन्वर्ट करना भी पड़ता है. सो अगर आप इस्तांबुल आएँ तो मस्ट ट्राई द चिकन मील फ्रॉम हेयर. मैं मेन्यू के अंदर उस आइटम का एग्जैक्टली क्या नाम है मैं पिक्चर लगा देती हूँ उसकी, तो आप लोग देख लीजिएगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू माई हस्बैंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बट जस्ट टू कोट माई हस्बैंड्स वर्ड्स, दिस इज़ द बेस्ट चिकन टिक्का ही एवर हैड. ऑल्दो इट वॉज़ नॉट चिकन टिक्का, लेकिन जस्ट टू रिलेट ही सेड इट वॉज द बेस्ट ही हैड, यू नो. ज़्यादा इनके पास बीफ आइटम्स ही हैं, पर ये एक चिकन की चीज़ भी थी. सो हुआ ये कि क्योंकि हमने एक ही मेट्रो कार्ड लिया हुआ है और हम लोगों ने मेट्रो यूज़ करनी थी, तो उसको टैप किया, मैं आ गई और एक ही कार्ड हम दोनों के लिए चलता है. एंड देन माई हस्बैंड ट्राइड, सो बैलेंस ख़त्म हो चुका था उसका. तो अब मैं इस पार खड़ी हूँ, वो उस पार खड़े हैं और वो रिचार्ज करवाने गए हैं कार्ड को. ताज़ा खबर ये है कि हमने जहाँ जाना था उसका हमें रास्ता ही नहीं मिला. हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की गूगल मैप से, और लोगों से तो नहीं है सच पूछा, लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या कह रहे हैं हम गूगल मैप्स पे. वो कभी इधर बता रहे हैं, कभी उधर बता रहे हैं. खैर, वी कुडंट फिगर इट आउट. ऑल्सो फिर हमने कहा चलो टैक्सी ले लेते हैं. जब हम टैक्सी वाले के पास गए, उससे हमने रेट पूछा, तो उसने कहा 600 टर्किश रियाल, विच मीन्स 8,000 रुपये. तो भाई ये तो बहुत महंगे हैं, या तो हम बहुत गरीब हैं या तो वो बहुत महंगे हैं. फिर हम मेट्रो स्टेशन पे वापस आ गए, हमने कहा अपने होटल जाते हैं. सो इतनी प्यास लग रही है, तो यहाँ वेंडिंग मशीन से पानी लेना था. अब सिलसिला ये है कि हमने इधर वेंडिंग मशीन पे सेलेक्ट किया और मेरे पास 20 का, सबसे छोटा नोट भी 20 का है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही मशीन, क्योंकि उसने कहा कि 10 या 5 का नोट डालें. तो हम प्यासे हैं और सारे यहाँ पर पानी 5 के लगे हुए हैं, तो वो बस 5 का नोट लेता है या 10 का लेता है. जी, तो पूरा दिन कन्वर्टर ढूंढने के बावजूद मुझे नहीं मिला, जिसका मतलब ये कि मेरा डायसन एयर ऐप नहीं चल सकता. सो रिमेंबर मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि कुछ बहुत स्पेशल प्लान है आज शाम के लिए, तो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में वैसे आप लोगों को पता चल जाना है. वी आर गोइंग ऑन अ नाइट क्रूज़. हमने बॉस्फोरस सी में नाइट क्रूज़ बुक कराई है अलॉन्ग विद डिनर. सो उसके लिए मुझे अपने बाल बने हुए चाहिए, एंड आई नीड टू बी वेरी प्रॉपरली रेडी फॉर इट. अच्छा, सो आई एम ट्रैवलिंग अलोन इन इस्तांबुल फॉर द फर्स्ट टाइम. पहले आप लोगों को पता ही है कि मैं हमेशा अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे शॉप पे कोई काम था एंड ही वॉज़ फीलिंग रियली टायर्ड एंड स्लीपी. सो वी डिसाइडेड दैट ही विल गो बैक टू द होटल. वो होटल वापस चले गए, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा इन स्ट्रीट से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया है कि रास्ता क्या है होटल वापस जाने का. लेकिन मसला ये था कि मेरे पास लोकल सिम नहीं थी. सो हमने किया क्या कि हमने फ़ोन एक्सचेंज कर लिए. आई हैव हिज फ़ोन एंड ही हैज़ माई फ़ोन, ताकि मेरे पास इंटरनेट हो. वो तो होटल चले गए, उनके पास तो हो गई. और अब मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले इस्तांबुल में जा रही हूँ, लेकिन आई थिंक आई विल बी फाइन. सो या अच्छा जी, तो ये मेरा व्लॉग 4 था इन द टर्की ट्रैवल सीरीज़. इसमें हमने इस्तांबुल की 2 एक्सट्रीमली पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस कवर किए हैं,
including Grand Bazaar and Basilica Cistern. We also had a very yummy meal. If you are coming to Turkey, आप लोगों ने फेथ के एरिया से इस रेस्टोरेंट से चिकन मील जिसकी मैंने डिटेल्स पिछले क्लिप्स के अंदर ऐड की हैं लाजमी ट्राई करना है. मील का नाम यानी कि डिश का नाम मेन्यू में और रेस्टोरेंट का नाम दोनों क्लिप्स के अंदर एडिड हैं, उसको लाजमी देखिएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो डू गिव अ थम्स अप. इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन लीव अ कमेंट एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट. लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल को. नेक्स्ट व्लॉग होगा हमारा नाइट क्रूज डिनर पर इन द बॉस्फोरस सी. Stay tuned.